ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 17। सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहर् यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तम् तिहो रात्रविदो जनाः। शब्दार्थ सहस्त्र 1000, युग युग पर्यन्तम् सहित आहः दिन यत् जो ब्रह्मणः ब्रह्मा का विदुः वे जानते हैं रात्रिम रात्रि युग युग सहस्रंताम। इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली ते वे अहरात्र दिन रात विदह जानते हैं जनाह लोग। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं आता है, जिसमें कलह अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1,000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31,10,40,000 वर्ष के तुल्य हैं। बहुत लंबी आयु है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणार्णवे असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं।
किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। ज्ञानतिमांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यहाँ पर ब्रह्मा के जीवन के बारे में वर्णन हो रहा है कि कितनी उनकी लंबी आयु है इस भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में। क्यों यहाँ पर यह वर्णन हो रहा है? हमारे समझने के लिए। क्या हम इससे समझ सकते हैं, हम ये ब्रह्मा के जो है संदर्भ में समझें कि कितने वास्तव में हम नगण्य हैं इस भौतिक जगत में, है ना? लेकिन होता क्या है कि हम अपने आप को बहुत महान सोचते हैं, है ना? लेकिन जब ब्रह्मा जी के जीवन को हम जानेंगे, उसको समझेंगे कि ब्रह्मा जी का जीवन भी जो है इस विशाल सृष्टि में भगवान जो की सृष्टि करते हैं, तो उसमें कितना ब्रह्मा जी का जीवन, जिनकी की आयु यहाँ पर कई कई वर्षों, हमारी जो है कल्पना गिनती उसको हम नहीं कर सकते हैं, है ना? वो आश्चर्यजनक है, शिल्पात समझा रहे हैं। तो जब उनकी नगण्य है, तो फिर हम जो कि इस भौतिक जगत में एक चींटी के समान है, तुच्छ हैं, है ना? तो हमारा फिर क्या कहना। तो भगवान शास्त्रों में इसलिए बताया गया है दो प्रकार के जगत अर्थात संसार का वर्णन किया गया है, है ना? एक आध्यात्मिक जगत होता है, जिसको कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, परस तस्मात् भावो अन्यो व्यक्तियों व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि इस भौतिक जगत, है ना, ये दो जगत में, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में, जो आध्यात्मिक जगत है वो कैसा जगत है, यहाँ पर इस जगत से पूरा विपरीत है वो, है ना? जो भी इस जगत में हम देख रहे हैं वो उस जगत का क्या है, ये प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। लेकिन उसको, इस जगत को बताया गया आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब। तो जो भी यहाँ पर क्या है इस जगत में, है ना, भगवान इसके पूर्व के श्लोकों में वर्णन किए हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान एक श्लोक में ये जगत के बारे में बताए, संसार के बारे में बताया कि ये संसार में क्या है, दुख आलयम, है ना, ये क्या है, दुख का आलय, घर है, है ना? तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, है ना? जैसे आप पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या है, पुस्तकें मिलेंगी आपको, हिमालय में जाएंगे तो बर्फ मिलेगी। तो ऐसे ये संसार में क्या है, दुखालयम और अशाश्वत है ना, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब इस संसार में है, पूरा चक्र है, बार बार जन्म मृत्यु का यहाँ पर चक्र है, और जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति में अनेक 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 कष्ट है, है ना? लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान कह रहे हैं इसके पूरा विपरीत है, है ना? ये भौतिक जगत नष्ट होता है, समाप्त हो जाता है एक समय के बाद, यहाँ पर हर चीज क्षणिक है, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, मेरा जो धाम है नश एत्सु न विनश्यति, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो क्या है, शाश्वत है, है ना? और वहाँ पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, है ना? केवल और केवल आनंद की स्थिति है, केवल आनंद कंद, ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत की स्थिति है।
और शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आध्यात्मिक जगत भी अनंत है। इस भौतिक जगत में भी हम आध्यात्मिक जगत के कुछ भाग हम देखते हैं। आध्यात्मिक जगत जो है वो अनंत है और इस भौतिक जगत में भी यहाँ पर जब भगवान लीलाएं करते हैं तो उस आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं, जिसको कि हम भौम जगत के रूप में जानते हैं। जैसे इसी भौतिक जगत में वृंदावन धाम है भगवान का, तो वो क्या है उसको हम भौम वृंदावन बोलते हैं। अर्थात आध्यात्मिक जगत का जो है वो यहाँ पर प्रतीक है। भौम अयोध्या, भौम द्वारिका, जितने भी सब भगवान के धाम हैं, शिल्पाद उनको समझाते थे कि वो किस प्रकार से है। एक प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि भारत में है ना अमेरिकन एम्बेसीज होती है ना, तो वहाँ पर क्या कार्य होता है, सारे नियम जो हैं वो सब अमेरिकन कंट्री के लागू होते हैं ना। तो ऐसे शिल्पाद बताते हैं कि ये सब जो धाम है या जो भी शिल्पाद समझाते हैं इस्कॉन के केंद्र हैं है ना, वो भी वैकुंठ हैं, तो वो सब क्या है आध्यात्मिक जगत की जो है एम्बेसीज है ना, जिससे कि हम आध्यात्मिक जगत के बारे में जान सकते हैं उसके माध्यम से कि आध्यात्मिक जगत क्या है, वहाँ पर क्या होता है। और आध्यात्मिक जगत को जानने से अपने आप भौतिक जगत को भी हम समझ सकते हैं। आज हम देखते हैं है ना, आज ही नहीं कई कई समय से वैज्ञानिक गण जो है इस भौतिक जगत को समझने का प्रयास कर रहे हैं पूर्ण रूप से है ना। कभी कहते हैं कि गोल है, कभी कहते हैं कि है ना, अलग अलग प्रकार से उसकी जो है परिभाषा देते हैं इस पृथ्वी की, संसार की, लेकिन इसको समझ नहीं पाए, वो जान नहीं पाए है ना, वो जान भी नहीं सकते हैं वास्तव में है ना। लेकिन ये भौतिक जगत क्या है, भौतिक एक छोटा सा जो अंश है, भगवान कहते हैं, भगवान भगवत बताते हैं एकांशेन स्थितो जगत, जो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में सबसे मुख्य भगवान का जो लोक है, जिसको कि गोलोक धाम वृंदावन कहा गया है ना, उस गोलोक धाम के अंतर्गत अनंत अनंत जो है भगवान के वैकुंठ लोक हैं है ना। शास्त्रों में बताया गया है कई कई जो है भगवान, वो सब क्या है, भगवान की प्रभा है, एक प्रकार से भगवान की कांति ज्योति है ना, तो उससे कई अनंत जो है वैकुंठ लोक निर्मित होते हैं और भगवान उनमें अपना विस्तार करके एक एक वैकुंठ लोक में एक एक रूप में विस्तार करते हैं है ना। कई बार हम नामों का उच्चारण करते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय है ना, तो ये सब अलग अलग भगवान के ऐसे नाम बताए गए। तो ये एक एक जो भगवान का नाम है, एक एक जो रूप है, वो एक एक अनंत वैकुंठ लोकों में से एक एक वैकुंठ में भगवान इस रूप में आध्यात्मिक जगत में विराजमान होते हैं। और ऐसे आध्यात्मिक जगत के एक छोटे से कोने में क्या होता है, महत्त्व, जिससे कि इस भौतिक जगत का निर्माण होता है, भौतिक संसार की सृष्टि होती है, वो निर्मित होता है ना। मान लीजिए भोपाल के एक कोने में, पटेल नगर वैसे ये क्षेत्र कोने में ही है ना, तो एक कोने में अगर एक क्षेत्र है तो उसकी क्या तुलना, वो बहुत नगण्य है ना। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत की तुलना में पूरा क्षेत्र में एक कोने में ये भौतिक जगत स्थित है ना, जिसको कि हमें कितना विशाल लगता है, भौतिक संसार जो है हमें देखने में बहुत विशाल आश्चर्यजनक लगता है। भौतिक जगत की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थात इसमें तीनों लोक सम्मिलित हैं, नीचे के भी ये पृथ्वी लोक भी और ऊपर के भी जो सब देवताओं के लोक है वो लोग भी सम्मिलित हैं। तो इतनी विशाल सृष्टि भी भगवान की तुलना में बहुत नगण्य है ना, एक छोटे से मात्र जो है वो बिंदु के समान है, इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। और इस भौतिक जगत में जो सबसे प्रथम जीव है ना, जिनकी की सृष्टि होती है, वो कौन है, वो है ब्रह्मा जी। सबसे पहले भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तीन विष्णु में, महाविष्णु है ना, महाविष्णु जो कि कारण सागर में शयन करते हैं है ना, उसके बाद उनसे गर्भोदक साई विष्णु का प्राकट होता है और गर्भोदक साई विष्णु जो हैं उनके नाभि कमल से एक कमल का फूल, कमल का पुष्प जो है प्रकट होता है, तो उस पुष्प से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है ना। तो हम सभी के जो हैं ब्रह्मा जी पितामह हैं, हम सब ब्रह्मा जी से ही प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से ही वास्तव में हमारी सृष्टि होती है, मूल रूप से भगवान करते हैं सृष्टि है ना, हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान के माध्यम से
ही हम जो है प्रकट हुए हैं, भगवान आत्मा को जो है प्रकट करने वाले हैं। लेकिन वो कार्य होता है कैसे? ब्रह्मा जी के माध्यम से होता है। ब्रह्मा जी को भगवान आदेश देते हैं कि आप जगत में जो है जीवों की सृष्टि कीजिए, और किस लिए सृष्टि कीजिए? जो हमने इच्छा भगवान से की भोग करने की, भगवान से स्वतंत्र होकर के कि मैं भी भोग कर सकता हूँ आपसे अलग होकर के, तो ऐसे जीवों के लिए, विद्रोही जीवों के लिए भगवान क्या करते हैं? ये तुच्छ जो है जगत की सृष्टि करते हैं, है ना, ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं, उनके हृदय में अपना ज्ञान प्रकाशित करते हैं, जिसके माध्यम से उनको सारा ज्ञान हो जाता है कि कैसे जगत की जो है सृष्टि करनी है, है ना। और फिर ब्रह्मा जी अलग अलग लोकों का निर्माण करते हैं योग्यताओं के अनुसार, जिसकी जैसी योग्यता है, है ना। नीचे के 7 लोगों का निर्माण करते हैं जो कि अधर लोक हैं, फिर ऊपरी लोक और मध्य में ये पृथ्वी लोक, इसका निर्माण करते हैं। और इन अलग अलग लोकों में गुण और कर्म, कर्म के अनुसार विशेष रूप से, जैसे हमने पूर्व जीवन में अपने कर्म किए हैं, है ना, क्योंकि कर्म हमेशा क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। कर्म कभी भी जो फल है समाप्त नहीं होते हैं, जब तक कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। एकमात्र भक्ति से ही ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, है ना। वो इंद्र हो, ब्रह्मा जी हो, या निम्न योनि में कोई हो, सब कर्मों के बंधन में बंध करके कार्य करते हैं, उनको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति करने से, जो भक्ति करता है, तो उसके सारे क्या होते हैं? कर्मफल समाप्त हो जाते हैं। कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, उसको फिर कर्मों के अनुसार कार्य नहीं करना होता है। तो ऐसे हर एक जीव, जैसे कि उसने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको देख करके ब्रह्मा जी बहुत सटीक, है ना, उनसे कभी गलती नहीं होती है, सब परफेक्ट जो है वो चुनाव करते हैं, किसको जो है कुत्ते का शरीर मिलना है। कुत्ते में भी फिर अलग अलग जो है वेरिएशन है वहाँ पर भी, है ना, आपने देखा हुआ है। एक कुत्ता है तो वो अमीर परिवार में कार में घूमता है बढ़िया, है ना। एक कुत्ता है तो वो ऐसे रोड पर जो है घूम रहा है, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोनों के कुछ कर्म ऐसे थे कि उनको जो है कुत्ते का शरीर मिला दोनों को, है ना। लेकिन उसमें भी एक के कर्म ऐसे थे तो वो जो है एक अंबानी के यहाँ का कुत्ता बना, और एक जो है रोड पर कुत्ता बना, है ना। तो इस प्रकार की ये स्थिति, तो ऐसे 84 लाख योनि में स्थिति होती है, है ना। ये तो हम एक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है, तो उन 84 लाख योनियों में बहुत सटीक रूप से किसको जो है बहुत सुंदर रूप दिया जाना है, किसको जो है काला रंग देना है, है ना, किसको किस प्रकार का शरीर देना है, किसको कैसी नाक देना है, कैसा उसको चेहरा देना है, है ना, सब कुछ जो है गुण और कर्म के अनुसार होता है, और उसमें कभी भी जो है गलती नहीं होती है, क्योंकि भगवान है या भगवान के प्रतिनिधि हैं ब्रह्मा जी जैसे, तो वो कभी भी इन कार्यों में जो है मिस्टेक नहीं करते हैं। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि सामान्यतः जीव गलती करते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर गलती करने का वो जो है अवगुण है। लेकिन ऐसे भगवान जो प्रतिनिधि चुनते हैं अपने कार्य के लिए, वो गलती कभी भी नहीं करते। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं अलग अलग जीवों के लिए ये सब लोकों का निर्माण करते हैं, उन लोकों में सब जीवों को जो है स्थापित करते हैं, है ना। क्यों स्थापित करते हैं? जिससे कि दो कारण बताया गया शास्त्रों में। एक तो जो उनके अंदर एक क्षणिक इच्छा है भोग करने की भगवान से, उसको वो पूरी कर पाए, और दूसरा ये कि उससे सीख लेकर के फिर वास्तविक रूप से फिर आध्यात्मिक जगत वापस अपने धाम को जा पाए, है ना, जहाँ से कि वो विद्रोह करके इस जगत में आने की उन्होंने भूल की है। तो इस कारण से भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का यहाँ पर वर्णन हो रहा है इस श्लोक में, है ना, ब्रह्मा जी के जीवन का वर्णन किया जा रहा है कि उनकी आयु क्या है, है ना, ब्रह्मा जी के अनुसार कैसे ये संसार जो है कार्य करता है। शास्त्र से हर एक इस विषय को हम जो है संसार क्या है कैसा है पूरा सटीक जो है इस श्लोक में यहाँ पर भगवद गीता के द्वारा वर्णन हो रहा है। वैज्ञानिक ज्ञान इसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो कुछ भी अपनी मन कल्पना से जो है विचार करेंगे, कुछ विस्फोट हुआ फिर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, है ना, एक बिंदु था पहले तो, है ना, डार्विन थ्योरी बताएंगे हम तो बंदर से आए, कुछ भी अलग अलग जो है बस बकवास करते रहेंगे वो मन से। लेकिन सटीक यहाँ पर पूरा एक एक चीज जो है सटीक रूप से वर्णन हो रही है भगवान, और उसको कौन बता रहे हैं? स्वयं भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं। तो क्या भगवान बता रहे हैं?
कि ब्रह्मा जी की जो अवधि है वो क्या है, सहस्त्र युग पर्यंतम, है ना, सहस्त्र अर्थात हजार। ब्रह्मा की आयु जो बताई गई है वो है हजार युग, सहस्त्र युग पर्यंतम। जब हजार युग बीतते हैं तो क्या होता है, तेहो रात्र विदो जना है, जो बुद्धिमान जन है वो जानते हैं कि वो क्या है, ब्रह्मा जी का केवल एक दिन है। एक दिन अर्थात 12 घंटे, है ना, सुबह 6 से लेकर के रात तक के जो है, तो इस प्रकार से 12 घंटे हुए। फिर रात से सुबह अलग वो रात्रि होती है ब्रह्मा की, है ना। तो ये अवधि जो है बताई गई है 1000 युग, दिव्य युग मिल करके सहस्त्र युग जब होते हैं तो वो केवल ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो रहे हैं। कितना समय हमारी कल्पना से, है ना, हम उसका विचार भी करें तो हम उसको समझना बहुत कठिन होगा। तो युग क्या होता है उसके लिए भी हमें वो भी समझना आवश्यक है, क्योंकि कलयुग में हम देखते हैं कि लोग इतने मंद बुद्धि हैं, ये सब विषयों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, है ना, युग क्या है, है ना, दिव्य युग क्या होता है, कलयुग क्या होता है, सतयुग क्या होता है, त्रेता युग क्या होता है, आजकल पता ही नहीं है किसी को, है ना, ज्ञानी नहीं है। शरीर क्या होता है, इंद्रियां क्या होती है, किसी को बोले अरे इंद्रियां ये क्या शब्द है, इंद्रियां क्या होती है, कर्म इंद्रियां क्या होती है, ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, इंद्रिय विषय क्या होते हैं, है ना, लोगों को पता ही नहीं है इन विषयों के बारे में। तो इसलिए ये सब जब विषयों को समझेंगे तब वास्तव में हम सही रूप से इस स्थिति को समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर शिल्पपाद वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि ब्रह्मा जी की जो आयु है 1000 चतुर्युग, वो एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। तो उसके लिए पहले चतुर्युग को हमें समझना पड़ेगा कि 4 युग क्या होते हैं। तो शिल्पपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना, ये 4 युग मिलकर के जो है इसको पूरा बोला जाता है 1 चतुर्युग। इस प्रकार से ये एक चक्र होता है, है ना, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ना, तो पूरा एक चक्र पूरा हो गया, है ना, घड़ी घड़ी की सुई घूम रही है तो पूरा एक चक्र हो गया। तो ऐसे ये चतुर्युग का जो होता है तो वो एक चक्र कहलाता है, इसको बोलता है चतुर्युग, एक दिव्य युग बोला जाता है। तो ऐसे जब सहस्त्र युग पर्यंत में हजार जब चतुर्युग बीतते हैं तो वो क्या होता है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, है ना, केवल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीते इतने समय, जब इस भौतिक जगत में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। और 1000 चतुर्युग की तो बहुत लंबी अवधि है, 1 चतुर्युग कितना लंबा होता है, है ना, यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कलयुग की आयु बताई गई 432,000 वर्ष, अभी केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, है ना, कलयुग जो प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे 432,000 वर्ष का कलयुग होता है, उसका डबल बताया गया है द्वापर युग, है ना, 8 लाख और कुछ वर्ष, फिर उसका और एक गुना जो है त्रेता युग बताया गया है, लगभग 17 इस प्रकार से, और फिर सतयुग होता है। तो सतयुग टोटल मिला करके ऐसे 4 जो युग आयु होती है तो वो क्या होती है, 43 लाख वर्ष आयु होती है, है ना, 43 लाख वर्ष कितना लंबा समय है इस संसार में। हमारे दृष्टिकोण से हम देखें तो बीतने में कितना समय लगेगा, बहुत लंबा जो है समय है ये, है ना, लेकिन 43 लाख वर्ष कुछ भी नहीं है ब्रह्मा जी के लिए, वो जो है कुछ भी नहीं। यहाँ पर शिल्पपाल लिख रहे हैं बिजली की चमक जैसे, जैसे बिजली अचानक से चमक होती है ना आकाश में, अभी बारिश में देखा होगा आपने, बस ऐसी जो है चमक के जैसी ये समय पूरा चला जाता है, बीत जाता है, है ना। और ऐसे जो है 1000 चतुर्युग में शास्त्र में बताया गया कि ब्रह्मा के 1 12 घंटे में इस सृष्टि में जो है 14 मनुओं का काल होता है, है ना, उसको कहा गया मनवंतर। जो 14 मनुओं का काल होता है उसको मनवंतर बोलते हैं, जिसमें कि मनु इस संसार पर जो है शासन करते हैं, है ना। क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो भगवान ने आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रकार से जो है सृष्टि करने का प्रयास किया। सबसे पहले 4 कुमारों को उन्होंने प्रकट किया, है ना, उनको आदेश दिया कि आप जो है सृष्टि कीजिए, लेकिन 4 कुमारों ने कहा कि नहीं, हमें तो भौतिक संसार में जगत में कोई रुचि नहीं, भगवान की हम तो भक्ति करेंगे। तो वो 4ों जो है ब्रह्मचारी बन गए। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो क्रोध से उनके जो है रुद्र प्रकट हुए, है ना, और रुद्र ने कहा कि मुझे कोई स्थान दीजिए, क्या मेरा स्थान है, क्या नाम है। तो सब ब्रह्मा जी ने उनको जो है नियुक्त किया और उनको कहा कि आप सृष्टि कीजिए। लेकिन जब रुद्र ने सृष्टि करना चालू किया तो भूत प्रेत पिशाच और ऐसे जो ऐसे ऐसे अनोखे जीव उन्होंने उत्पन्न किए कि वो ब्रह्मा जी के पीछे जो है उनको पकड़ने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रुकिए, आप जो है सृष्टि मत कीजिए।
तो फिर उनको बोला कि आप तो शमशान में जाइए और इनको सबको भी लेके जाइए और वहीं पर आप जो है समाधि ध्यान लगाइए, है ना। इस प्रकार से जब आपकी आवश्यकता होगी तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा सृष्टि के कार्य में, है ना। क्योंकि अगर ऐसी ऐसे लोगों की आप सृष्टि करेंगे तो फिर क्या होगा। तो फिर उसके पश्चात जो है भगवान की ही प्रेरणा से, जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर भगवान की ही प्रेरणा से ब्रह्मा जी के एक भाग से जो है मनु और एक भाग से शत्रुपा प्रकट होते हैं, मनुष्य जिनको की कहा गया, जिनसे हम मानव जो है प्रकट हुए हैं। तो उनके माध्यम से फिर जब वो दोनों संग करते हैं तो उनके द्वारा पांच संतानों की उत्पत्ति होती है और उनसे ये जगत में सारे संसार में फिर जीवों की सृष्टि होती है। तो ऐसे एक जो मनु होते हैं तो उनके काल को मन्वंतर कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 जैसे चतुर्युग में 14 मनुओं का पूरा समय व्यतीत हो जाता है और इतनी ही बड़ी क्या होती है ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, है ना। 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी के 12 घंटे दिन और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि। तो ऐसा एक दिन होता है बस ब्रह्मा जी का, ये पूरा एक कंप्लीट 24 घंटे दिन हुए और ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु है, है ना। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष तक जीते हैं इस भौतिक जगत में, हमारी आयु भी 100 वर्ष है ना, और ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, है ना। लेकिन लंबी होने के बाद भी क्या है, भगवान महाविष्णु जो है उनके अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या है, यह कारणार्व जले भजति इसम योग निंद्रा मनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्ति अवलंब पराम स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। भगवान जिनकी की श्वास से यस्य कनिशुषित काल मथावलंब जीवलग्ती लोम बिलजा जगदंड नाथा, है ना। भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो कई कई अनंत कोटि जो है ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, उनके श्वास छोड़ने से ब्रह्मा जी जो हैं प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही भगवान श्वास वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो बस ब्रह्मा जी के जो है इतनी लंबी आयु 100 वर्ष की वो महाविष्णु के परिप्रेक्ष्य में इतनी सीमित अवधि है, बस भगवान श्वास ले रहे हैं श्वास छोड़ रहे हैं इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी समाप्त हो गए, है ना, ये अवधि है। तो फिर हमारी क्या अवधि है, हम कुछ भी नहीं, बहुत नगण्य है इस भौतिक जगत में, है ना। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं है, बहुत लंबा समय है ना, बहुत हम तो जीवन जिएंगे, बहुत कितनी कितनी हम जो है योजनाएं बनाते हैं, विचार करते हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, है ना, इस प्रकार से भविष्य की सब प्लानिंग करते हैं हम, है ना। क्या है वो, कुछ भी नहीं है, भविष्य की प्लानिंग जो है नगण्यता है। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने, है ना, बच्चे नदी के किनारे जाकर के रेत में घर बनाते हैं, वहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग सब व्यवस्था बनाते हैं, सब जो है पानी आता है वो सब बहा करके ले जाता है एक क्षण में। तो ऐसे सब सारी जो है इस भौतिक जगत में हम व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति को हम नहीं समझ रहे हैं, है ना, कि हमारी नग्नता वास्तव में कितनी। इसीलिए यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है, भगवान क्यों ये सब डिटेल यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, कलयुग की कितनी अवधि है, क्यों जानना है ये सब, क्योंकि इसको समझेंगे तो हम हमारी स्थिति को समझ पाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर वर्णन हो रहा है अलग अलग युगों के बारे में, यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये युग में क्या क्या स्थिति होती है, तो उन सब युगों का भी वर्णन किया जा रहा है, है ना। सत्ययुग का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, सत्य में सभी लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से धार्मिक होते हैं, परमहंस होते हैं, सबके अंदर सहनशीलता दान, है ना, सत्य पूर्ण रूप से एक प्रकार से धर्म जो है अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है, धर्म के चार पैर बताए गए ना, सत्य क्षमा दया और स्वच्छता, या शास्त्र में दान भी एक जगह कहा गया है वैकल्पिक रूप में। तो इस प्रकार से चार धर्म के जो पैर हैं तो पूर्ण रूप से सतयुग में समृद्ध होते हैं, इसलिए सतयुग को कहा गया है गोल्डन युग, है ना, स्वर्ण युग कहा गया उसको वहां पर, कि उसमें पूर्ण रूप से सभी कोई भी व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, सभी लोग पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में धर्म के कार्यों में ही लगे होते हैं, है ना। इसलिए सब लोग सतयुग में जीवन जीना चाहते हैं ना, कि हम सतयुग में जो है जीवन जिए, इस प्रकार से लोग, लेकिन वैसे कार्य नहीं करते हैं उस प्रकार जीवन जीने के अनुसार। और फिर सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, तो त्रेता युग में क्या होता है, अधर्म की शुरुआत होती है, इसलिए भगवान त्रेता युग में
वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना करते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, क्योंकि वहां से अधर्म की शुरुआत होती है। जो हर एक धर्म के पेड़ हैं तो वो क्या है, उनका 25-25% एक चौथाई भाग उनका हास होने लगता है ना। तो ऐसे अधर्म की वहां से शुरुआत होती है। धार्मिक प्रवृत्ति होती है लोगों के अंदर, 75% लोग जो हैं उनके अंदर इस प्रकार धार्मिकता के गुण होते हैं, है ना। लेकिन कुछ 25% ऐसे होते हैं जो कि ये पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो त्रेता युग है उसको कहा गया सिल्वर युग कहा गया है ना, चांदी का युग। स्वर्ण युग, गोल्डन, उसके बाद फिर चांदी, है ना। थोड़ा गुण कम है ना, सोने में गुण अधिक होते हैं। तो ऐसे फिर उसके पश्चात जो है द्वापर युग आता है। तो द्वापर युग में और ये गुण घट करके आधे हो जाते हैं, है ना। हर एक धर्म का जो स्तंभ है, सत्य, दया, क्षमा, तपस्या, ये सब, तो वो 50% बच जाते हैं बस, है ना। 50% गुण और 50% अवगुण, अधर्म, तो दोनों जो है बराबर हो जाता है द्वापर युग में। इस प्रकार की स्थिति होती है ना। और कलयुग में क्या होता है, कलयुग में धर्म बस 25% रह जाता है, 75% जो है अधर्म हो जाता है। और अब भविष्य में आगे जब बढ़ेगा कलयुग, है ना, अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी, तो वर्णन किया गया है कि पूर्ण रूप से जो 25% धर्म के कार्यों में लोग लगे हुए हैं वो भी रहेगा नहीं, पूर्ण रूप से सारे लोग अधर्म में ही प्रमुख होंगे। इसलिए भगवान को फिर क्या, अवतार लेना पड़ेगा। कल के अवतार के रूप में फिर भगवान आएंगे, है ना। शिववाद यहाँ पर समझा रहे हैं, ऐसा जो है अधर्म हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि बादल जो है बारिश बरसाना बंद कर देंगे। कलयुग के मंत्र बताया गया 100 वर्षों तक लगातार जो है बारिश नहीं होगी, सारे संसार में जो है सूखा पड़ जाएगा। 1-2 वर्ष अगर बारिश नहीं होती तो हम क्या स्थिति देखते हैं, है ना, संसार में। अगर ऐसे 100 वर्ष तक बारिश नहीं हो तो फिर देखिए आप, सब लोग जो है तड़पने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति होगी, 100 वर्ष तक बारिश नहीं होगी और 100 वर्ष तक लगातार सूर्य जो है पूरा प्रकाश दहकता हुआ, ऐसे जो है वो प्रकाश, है ना, हाई डिग्री 50 से भी ऊपर, है ना, वो गर्मी, भीषण गर्मी जो है यहाँ पर बरसाएंगे। तो सूर्य ऊपर से बरसाएंगे और नीचे से संकर्षण के मुख से जो है अग्नि निकलेगी भीषण। तो उस अग्नि में पूरा संसार कैसा दिखेगा, जैसे आग में जल करके गोबर का जो कंडा होता है ना, वो पूरा जल करके कैसा बिल्कुल दहकता हुआ हो जाता है। देखा होगा आपने, तो ऐसा पूरा संसार जो है दहकता हुआ दिखेगा ना। सब लोग जो है, सूर्य क्या करेगा, सब जगह से पानी को सोख लेगा, मनुष्यों के जीवन से, वनस्पतियों से, समुद्र से, नदियों से, हर जगह से पानी जो है सूख लेगा, लेकिन पानी बरसाएगा नहीं, है ना। इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी, वो फिर प्रचंड वायु चलेगी, है ना। तो उससे क्या होगा, लगातार 100 वर्षों तक वायु प्रचंड, पूरा आकाश में धूली धूल दिखेगा आपको। जब तेज बारिश चल, वायु चलती है तो देखा होगा ना, धूल में हम कुछ देख नहीं पाते हैं, तो है ना। थोड़ा समय जब बाद हवा साफ होती है तो फिर हम देख पाते हैं, लेकिन वो हवा ऐसी चलेगी कि बस चलती रहेगी, वहां पर साफ होने का कोई काम ही नहीं है। तो सब जगह बस धूल ही धूल दिखेगी पूरे आकाश में, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। इस प्रकार की स्थिति ये वर्णन किया गया। तब उस समय जो है भगवान कल्कि अवतार के रूप में वहां पर जो है आएंगे, है ना, और सबका विनाश, असुरों का जो है विनाश करेंगे, क्योंकि कलयुग में पूरा अधर्म ही प्रमुख बताया गया है। भागवतम में भी वर्णन किया गया है, कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, प्रायण अल्पायु से सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता, कि कलयुग के जो लोग हैं वो प्राय कैसे हैं, मंद हैं, है ना, आलसी हैं। किस चीज़ में आलसी हैं, आध्यात्मिकता में, धार्मिकता में कोई रुचि नहीं है, भगवान के कार्यों में, भक्ति के कार्यों में, है ना। इंद्रिय भोग में बहुत रुचि है लेकिन भक्ति के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से आलसी, आयु कम है, है ना, आयु भी की अवधि भी जो है घट रही है। अभी हम देखें तो कलयुग में 100 वर्ष आयु नहीं रह गई है, 100 वर्ष तक लोग कहाँ जी पाते हैं, मैक्सिमम 60-70 वर्ष बस, है ना। धीरे धीरे और ये कम हो जाएगी आयु, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। इसलिए ये हमें कल्पना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं 100 वर्ष में जीवन जीऊँगा, है ना, बस आप 50-60 ही मान करके चलिए, है ना, तो इतना ही सोचिए। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि 50 के बाद हम जो है फिर भक्ति करेंगे, है ना,
बुढ़ापे में फिर जाएंगे, 50 के बाद तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर क्या, इसलिए जल्दी करना पड़ेगा, है ना। शुरुआत जो है 20-30 साल में हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अगर नहीं किए। वैसे तो 5 वर्ष से होना चाहिए, प्लाज्मा नाथ बताते हैं, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, है ना, 5 वर्ष से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन नहीं कर पाए तो ठीक है, और जल्दी जो जितना हम कर सकें तो वो हमें करना चाहिए, है ना। भविष्य के बारे में कि नहीं देखेंगे आगे जो है, तो वो तो समय फिर आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आयु जो है कम है, बुद्धि कम है, है ना, हमारी सत्युग के कंपेरिजन में लोगों के। इसलिए इस कलयुग को कहा गया, कलयुग को जो है लोह युग भी कहा गया है, है ना, ये आयरन का युग है। इसलिए आप देखें सब जगह फैक्ट्री, आपको लोह लोह दिखेगा सब जगह गोल्डन तो कहीं दिखेगा ही नहीं आपको, है ना। तो ये कलयुग की वास्तव में स्थिति है। और भागवत में बताया गया है, ततश्चानु दिनम धर्मम सत्यम सोचम क्षमा दया कालेन बलिना आजादा नक्षत्रायुर बलम स्मृति, कि कलयुग के प्रभाव से जो है जो अच्छे गुण हैं, है ना, वो उनका जो है नाश होने लगता है ना। जैसे सत्य है तो कलयुग में क्या हो जाते हैं, अधर्म कि जो सत्य, जैसे धर्म के 4 पेड़ हैं, 4 स्तंभ हैं, सत्य दया, है ना, तपस्या, क्षमा, इस प्रकार से स्वच्छता, तो ये अधर्म के भी जो है 4 पेड़ बताए गए हैं, है ना। तो धर्म और अधर्म दोनों जो है आपस में इस प्रकार से क्या होती है, लड़ाई होती है। तो अधर्म के भी 4 पेड़ क्या है, झूठ, है ना, झूठ, हिंसा, इस प्रकार से जो है अधर्म के 4 पेड़ बताए गए, झूठ, हिंसा, असंतोष, और असंतोष के बाद जो है कलह है। तो ये 4 अधर्म के जो है पेड़ है। तो झूठ से क्या होता है, जो धर्म का चिन्ह है सत्य, उसका नाश हो जाता है, है ना। झूठ जो है वो सत्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर झूठ के बाद हिंसा है, तो हिंसा से क्या होता है, दया की भावना का नाश होता है, है ना, दया का गुण फिर नहीं रह जाता। और असंतोष, असंतोष से तपस्या करने की भावना, उसका जो है हास होता है, है ना, असंतोष। और कलह से क्या होता है, कलह से दान है, स्वच्छता है, है ना, ये सब गुण जो है चले जाते हैं व्यक्ति के अंदर, स्वच्छता की भावना, दान देने की भावना, वो सब कलह के कारण नहीं रहती है। तो ऐसे अधर्म के 4 पूरे स्तंभों का जो है कलयुग में बोलबाला है। तो सत्य नहीं है, है ना, ततश्चानु दिनम धर्मम सत्यम सोचम, सत्य लोग हर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, है ना, किसी के जीवन में सत्य नहीं बचा है। फिर सोचम, स्वच्छता, स्वच्छता भी नहीं है हम देखते हैं, है ना, लोगों के जीवन में लोग जानते नहीं है वास्तव में स्वच्छता है क्या। कलयुग में बताया बस थोड़ा बहुत कुछ बाहरी स्नान करने को लोग जो है स्वच्छता मान लेते हैं, है ना, लेकिन शास्त्रों में आंतरिक स्वच्छता बताई गई है, बाहरी स्वच्छता बताई गई है, है ना, कि हमारा मन है, हृदय है, तो वो भी पवित्र होना चाहिए। और बाहरी रूप से शरीर है, शरीर को भी हर दिन हमें प्रतिदिन जो है स्नान के माध्यम से उसको पवित्र करना चाहिए, है ना। लेकिन कलयुग में लोग इतने आलसी हैं कि स्नान भी नहीं करते हैं, है ना, कंपनियों ने जो है परफ्यूम बनाए हैं अलग अलग प्रकार के, तो लोग परफ्यूम बस छिड़क लेते हैं तो सोचते हैं कि हमारा स्नान हो गया, बस हमें स्नान करने की अब आवश्यकता नहीं। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा चेतना तो दूषित ही है फिर, है ना, वो स्वच्छ होकर भी स्वच्छ नहीं, अस्वच्छ ही है कलयुग में। तो इसलिए बताया गया कि सत्य सोचम, है ना, सोच, स्वच्छता वो नहीं है कलयुग में। फिर क्षमा, क्षमा की तो कलयुग में बात ही मत कीजिए है ना, क्योंकि ये कलह का युग है। तो बस थोड़ा सा कुछ हुआ कि लड़ाई झगड़ा चालू, है ना, कोई भी जो है सहन करना नहीं चाहता है किसी को भी, एक दूसरे को हम जो है सहनशीलता बिल्कुल लोगों के अंदर है ही नहीं, है ना, सब अपने मिथ्या अहंकार को प्रदर्शित करना चाहते हैं, है ना, हर एक व्यक्ति जो है दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना जो है महान हूँ, थोड़ा सा कुछ हुआ बस तो हम बोलते हैं फिर, है ना, अब तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या से क्या कर सकता हूँ, दिखा दूंगा तुमको मैं, है ना, मेरे से पंगा मत लेना। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं कि लोग किसी के अंदर भी सहनशीलता वास्तव में नहीं बची हुई है ना। तो सत्यम सोचम क्षमा दया, दया का गुण जो है चला गया पूरा, दया की भावना नहीं बची है। क्यों दया की भावना नहीं बची, क्योंकि हम जो है हिंसा कर रहे हैं, है ना, अनावश्यक रूप से
अपनी जीवों की जीवा की तुष्टि के लिए कितने सारे जो है पशुओं को आज मारा जा रहा है। तो इसलिए आप देखिए दया का गुण पूरा चला गया है, सत्यम सोचम क्षमा दया कालेन बलिदा राजन, और आध्यात्मिक बल वो जो है घट गया है इस प्रकार से, है ना। बुद्धि स्मृति ये सब कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। वर्तमान में अभी कुछ हद तक जो है थोड़ा बहुत कुछ परसेंट बचे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे और कलयुग बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे ये सब गुण जो है पूरा जीरो हो जाएंगे, थोड़े बहुत भी जो है बचे हुए अगर कोई अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो। और एक बहुत सुंदर महाभारत में एक घटना आती है ना। तो महाभारत में महाराज युधिष्ठिर, उनको जो है कलयुग के लक्षण दिखाई देते हैं माना, क्योंकि द्वापर युग के बाद हम देखते हैं कि कलयुग का प्रारंभ हुआ था, जब युधिष्ठिर महाराज हैं, पांडव हैं, वो राज्य कर रहे थे, तो उनके राज्य करते करते ही उनको जो है ऐसे चिन्ह कलयुग में दिखाई देने लगे थे। तो कुछ ऐसे पांच लक्षण जो है उनको दिखाई दिए कलयुग के, है ना। तो होता क्या है कि पांडवों के पास युधिष्ठिर महाराज के अलावा जो है भीम है, अर्जुन है, तो उनके पास पांच प्रकार के अलग अलग जो वृत्ति है वो वास्तव में कलयुग के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आते हैं। तो एक सबसे पहले एक पहला व्यक्ति आता है और वो बताता है पांडवों को कि देखिए मैंने आज जो है देखा आपके राज्य में कि एक जगह मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने खेत की रक्षा के लिए जो है उसने फेंसिंग लगाई, है ना, बाड़ लगाई, लेकिन हुआ क्या, वो जो फेंसिंग है वही पूरा खेत की फसल को खा गई, है ना। तो पांडवों ने जो है उनको भेजा युधिष्ठिर महाराज के पास कि आप उनके पास जाइए, है ना, क्योंकि ये आश्चर्य जो है उनको भी समझ में नहीं आया कि आखिर है क्या स्थिति, है ना। फिर दूसरा एक व्यक्ति आया, तो ये सब कलयुग के प्रतिनिधि थे, दूसरा एक व्यक्ति आया तो उसने कहा कि देखिए मैंने जो है आज देखा एक आश्चर्य आपके राज्य में कि एक व्यक्ति ने जो है कुएं से बाल्टी से पानी भरा, है ना, और एक बाल्टी से उसने पांच घड़े भर दिए, लेकिन जब पांच घड़ों से वापस उसने बाल्टी भरी तो बाल्टी आधी भी नहीं भरी। तो आश्चर्य हुआ कि कैसे एक पूरा एक बाल्टी से पांच घड़े भर गए, है ना, तो भरना चाहिए ना। मान लीजिए एक लीटर पानी आप लें और उससे जो है चार पांच गिलास भर दें, है ना, तो वो सब गिलास से बराबर पूरा वो फिर जग भी भरना चाहिए लेकिन वो भराए नहीं, बाल्टी जो है नहीं भराई। तो ये भी उनके लिए पूरा आश्चर्य था कि आखिर ये स्थिति क्या है। फिर तीसरा एक व्यक्ति आता है, तो तीसरा व्यक्ति बोलता है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा कि उसने एक स्विंग के छेद में से जो है हाथी को निकाल दिया, लेकिन पूंछ उसकी अटक गई उसके सुई के छेद में। तो ये भी आश्चर्य था कि कैसे हाथी इतना बड़ा जो है विशाल वो निकल गया और पूंछ जो है उसमें अटक गई सुई के छेद में, है ना। पूंछ तो पतली होती ना, वो तो निकलना चाहिए, वो क्यों नहीं निकली। तो ये तीसरा व्यक्ति आया। फिर चौथा एक व्यक्ति आया, तो चौथे व्यक्ति ने देखा, उसने बताया कि मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और जन्म देते ही अपने बछड़े को जो है गाय खा गई। तो ऐसा कुछ होता है क्या, है ना, ये आश्चर्य हमें लगेगा ना, क्यों गाय तो घास खाती है, वो तो शाकाहारी है, है ना, गाय तो कोई मांसाहार नहीं करती, तो गाय के लिए कैसे संभव है कि उसने बछड़ा खा लिया, है ना। लेकिन देखा ये आश्चर्य कि गाय ने जो है बछड़ा खा लिया। फिर पांचवा एक व्यक्ति आया, पांचवा व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही पतले धागे से, है ना, एक धागा लेकर के उसने जो है बड़े बड़े पहाड़ों को बांधा और वो धागे से हिला करके उनको पहाड़ों को जो है तोड़ रहा था, चकनाचूर उसने कर दिया पहाड़ों को। तो वो भी आश्चर्य लगा कि कैसे धागे से जो है पहाड़ों को कैसे चकनाचूर किया जा सकता है, संभव ही नहीं, है ना। तो सब युधिष्ठिर महाराज के पास गए पांडव ये समस्या को लेकर के कि आखिर ये है क्या वास्तव में, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज तो क्या स्वयं धर्मराज है, युधिष्ठिर महाराज तो धर्म तत्व को वास्तव में वो जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो उनको स्पष्ट रूप से कलयुग के लक्षण समझ में आते हैं।
तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि देखिए ये पांचों जो व्यक्ति समस्याएं लेकर के आए, ये क्या है, वास्तव में कलयुग के लक्षण हैं पांच, है ना। जैसे रामायण में भी एक घटना वर्णन आती है कि भगवान राम जब राज्य कर रहे होते हैं तो उस समय भी अंतिम में जब भगवान राम का इस संसार से प्रस्थान करने का समय हो जाता है तो कलयुग जो है भगवान राम के राज्य में आता है, है ना। और वहाँ पर लक्ष्मण को भगवान जो है द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर देते हैं जब कलयुग से साक्षात बातचीत कर रहे होते हैं, है ना, कि इस बीच में कोई भी अंदर जो है प्रवेश नहीं कर पाए। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज भी इन लक्षणों को देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि वास्तव में ये सब है क्या, ये कलयुग के लक्षण, है ना। तो पहला जो व्यक्ति आया था वो उसका युधिष्ठिर महाराज बताते हैं। तो क्या था पहला, पहला क्या था, फेंसिंग, है ना। एक व्यक्ति ने खेत की रक्षा के लिए फेंसिंग लगाई और फेंसिंग ने ही सारी फसल को खा लिया। तो कलयुग में क्या होगा, युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि कलयुग में जो रक्षक हैं वही क्या हो जाएंगे, भक्षक हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कलयुग में, कलयुग की स्थिति है, रक्षा करने वाले जिन पर हम विश्वास करते हैं कि ये हमारे सब संबंधी हैं, है ना, परिवार के जन हैं, तो परिवार के जन क्या करते हैं, शोषण करते हैं, है ना, वही जो है प्रताड़ित करते हैं। और रक्षक ही क्या है, जो रक्षा करने वाले वही वास्तव में भक्षक हो रहे हैं, वही कष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कलयुग के लक्षण, कलयुग की स्थिति ये है। फिर दूसरा जो व्यक्ति आया था तो वो क्या था, दूसरा एक बाल्टी से जो है पानी निकाला और पांच घड़े भर गए, है ना, उससे, लेकिन दोबारा से जो है बाल्टी नहीं भर पाई। तो कलयुग में ये स्थिति है, है ना, कि माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं। वैदिक संस्कृति में आप देखिए कितनी कितनी संतानें होती थी, 15-15, 20-20, है ना, कहीं कहीं संतानें होती थी। तो सबका जो है एक माता पिता पालन करते थे इतनी सारी संतानों का, लेकिन कलयुग में स्थिति ये कि इतनी सारी संतानें मिलकर भी माता पिता का पालन नहीं कर पा रही है, है ना। वो बोलते हैं कि पत्नी आती है, बोलते हैं इनको वृद्धाश्रम भेज दो, ये झंझट है, है ना, समस्या करते हैं जो है, हमको सुख से रहने नहीं देते, तो ये रहेंगे तो हम अच्छे से एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको वृद्धाश्रम में भेज दो, नहीं तो फिर मार दो इनको, है ना। तो कलयुग में ये स्थिति है ना, अनेक पुत्र भी मिलकर के माता पिता का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, ये समस्या है। फिर तीसरी जो कारण था, तीसरा, तो उसका युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि सुई के छेद में से हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। तो सब जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, है ना, जो बड़े बड़े चोर हैं, वो तो बड़े खुलेआम बस घूमेंगे संसार में, बड़े बड़े नेता है सब घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे जो चोर हैं बस वो पुलिस उनको अंदर बाहर करती रहेगी। तो इसलिए क्या है, हाथी तो निकल जाएगा लेकिन पूंछ अटक जाएगी। तो ये कलयुग में हो रहा है, है ना। बड़े आपने देखा अंबानी जैसे कुछ बड़े व्यक्ति हैं, है ना, जो अधर्म करने वाले अगर कोई हो तो वो उनको जेल में सजा हो जाए, है ना। ऐसे नेताओं पे नहीं होगी, लेकिन छोटे मोटे व्यक्ति है वो अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ये कलयुग में अधर्म की स्थिति है। और फिर चौथा जो है कलयुग में लक्षण, उन्होंने बताया कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और उसको खा गई। तो कलयुग में ये बहुत दयनीय स्थिति है कि माताएं जो है बच्चों को समझते तो जन्म देना नहीं चाहती, और अगर जन्म देंगी तो क्या है, फिर तुरंत उनका जो है वध कर देती हैं जन्म देने के बाद, है ना, अबॉर्शन, क्योंकि अगर बच्चे को जन्म देंगे तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा, है ना, लोग हमारी जो है निंदा करेंगे, इसलिए अनवांटेड 72 72 घंटों में अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा, तुरंत बस गोली खाओ और छुटकारा पाओ, है ना। तो कितनी आप जो है सर्वे के अनुसार बताया गया हर साल जो है कितनी करोड़ करोड़ जो है बच्चों की जो है हत्याएं होती हैं, इतने सारे जो है भ्रूण हत्याएं होती हैं, है ना। तो माँ तो बताएगा कि सबसे पवित्र रिश्ता जो है इस कलयुग में अगर संसार में है तो भगवान के बाद बताया गया है कि एक माँ और पुत्र का संबंध होता है, है ना, पवित्र। उसमें कुछ स्तर पर जो है शुद्धता होती है, लेकिन कलयुग में उसमें भी शुद्धता नहीं बची, है ना। माँ जो है अपने पुत्रों की हत्याएं कर रही है गर्भ में, गर्भ के अंदर ही जो उनको मार दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये अवगुण बताते हैं चार, और फिर पांचवा जो एक गुण वास्तव में प्रकट करते हैं, बताते हैं कि एक व्यक्ति ने एक धागे से लेकर के पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया, है ना। तो कलयुग में क्या है,
इतने सारे जो है अवगुण हैं, ये सब स्थिति है, लेकिन उसमें भी एक जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है कि हरिनाम रूपी धागे को अगर कोई स्वीकार करता है ना, इसको अगर हम लेते हैं तो जो पाप के पहाड़ हैं वास्तव में हमारे जीवन में, छोटे मोटे पाप नहीं, पहाड़ हैं, इतने हमने पाप किए हैं अनगिनत जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, तो ऐसे पहाड़ों को भी क्या किया जा सकता है, चकनाचूर किया जा सकता है केवल हरिनाम लेने से। लेकिन समस्या क्या है कि हम इतने जो है आलसी हैं, है ना, कलयुग के प्रभाव की इतना सरल जो है भगवान ने अपना नाम दिया, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते, ध्यान तपस्या हम ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं कलयुग के जीव, तो इसलिए भगवान ने कलयुग में नाम दिया, लेकिन इतने अभागे हैं कि वो नाम भी हमसे नहीं लिया जा रहा, दिन भर जो है कुछ ना कुछ हम जो है संसार की व्यर्थ की बातें बस करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसमें थकेंगे नहीं, है ना, वो सब कचरा जो है बोलते रहेंगे, लेकिन भगवान का नाम बोलो, एक माला जप करो, नहीं ये नहीं होगा हमसे, है ना, 10 मिनट एक माला जप नहीं किया जाएगा, लेकिन 1 घंटे व्यर्थ की बात जो है बॉलीवुड स्टार की, नेताओं की, ये संसार की वहाँ क्या हो रहा है, उसने क्या किया है, वो किसके साथ भाग गई, वो किसके साथ भाग गया, है ना, ये सब चर्चाएं बस दिन भर हमारा मुंह चलता रहेगा, है ना, लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए जो है वो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना महान गुण भगवान ने दिया है कि हम अगर नाम को स्वीकार कर ले और इसको ले तो जो सारे हमारे पाप है जन्मों जन्मों के वो पूरा उसको भगवान की भक्ति से भस्म होकर के वो भगवान कहते हैं कि राख के समान बन सकते हैं, है ना, पूरा शून्य हो जाएंगे। भगवान का नाम इतना जो है कलयुग में शक्तिशाली, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो स्वयं भगवान है साक्षात, है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण बता, भगवान नाम के रूप में जो है प्रकट हुए हैं, तो इसलिए हमें नाम लेने का प्रयास करना चाहिए, है ना, इसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए। तो समझने का इससे जो अर्थ है वो क्या है, शिक्षा हमें जो है लेना कि जो ब्रह्मा जी की यहाँ पर जो अवधि वर्णन की जा रही है सब आयु, तो हम समझें कि जब ब्रह्मा जी की इतनी लंबी अवधि है ना, तो वो नगण्य है भगवान के परिप्रेक्ष्य में, तो फिर हमारी आयु तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना, बहुत हम तुच्छ हैं वास्तव में, और उस तुच्छता में भी हम कितना कितना प्रयास करते हैं, अलग अलग सब योजनाएं बनाते हैं संसार में सुखी होने के लिए, है ना, जो कि सारी योजनाएं विफल होने वाली है, भगवान कहते हैं क्योंकि ये क्षणिक है, किसी भी क्षण बस नष्ट हो सकता है ना, एक बस बिजली की चमक जैसे है, तो इसलिए अब इसको समझें कि बहुत हम तुच्छ हैं, हमारी स्थिति वास्तव में कुछ भी नहीं है, तो भगवान की भक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भगवान की हम भक्ति को स्वीकार करें, और आध्यात्मिक जगत भगवान का जो धाम है भक्ति करके उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि इतनी लंबी अवधि होने पर भी ब्रह्मा जी की आयु है वो सब भी जो है तुच्छ वास्तव में, उनके ब्रह्मा जी को भी एक दिन मरना है, वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब समस्या है, आप ब्रह्मा जी के लोक में चले जाएं, स्वर्ग लोक में चले जाएं, कोई से लोक में चले जाएं, हर जगह जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये सब संसार इतनी लंबी अवधि होने पर भी एक दिन उनको मरना है, क्षणिक है, कोई भी अमर नहीं है, है ना, इसलिए जब ब्रह्मा जी से असुर वरदान मांगते हैं तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, मैं अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे अमर बना सकता हूं, तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए और हमें एकमात्र जो है भगवत धाम की इच्छा करनी चाहिए, ना कि ये लोक में हम चले जाएं, वो लोक में हम चले जाएं, वहाँ अलग अलग लोकों में जाने से कोई हमें लाभ नहीं होगा। लोग आज प्रयास कर रहे हैं, चंद्रमा पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो शाश्वत स्थिति नहीं है, जो कि यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं, सब कुछ क्षणिक है, एक समय के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे, समय भी हो गया है आरती का। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।